नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 7, उसका अपने पास में पार्ट सी लिक्विड एंड मोशन या लिक्विड इन मोशन चैप्टर चल रहा था। आज का अपना उसका दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन और अपने पास में बंडुली थ्योरम, इन दोनों को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ में अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको लेकर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन या सांतत्य समीकरण, सही है, या आवर्तता का सिद्धांत, ये अपने पास में क्या होता है। तो हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन की, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में अपने पास में क्या होता है, इसमें अपने पास में ए यानी कि एरिया समानुपाती होता है 1/v, वी यहाँ है वेलोसिटी, सही है। ए अपने पास में क्या है, ए अपने पास में है एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और v इक्वल टू अपने पास में है वेलोसिटी, v अपने पास में क्या है, वेलोसिटी, सही है। ये जो अपने पास में सांतत्य समीकरण होता है ये अपने पास में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, सही है, मास कंजर्वेशन पर काम करता है यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण यानी इसकी मास कंजर्वेशन पर काम करता है, सही है। यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर क्या है, आधारित है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह अपने पास में यहाँ से a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यह अपने पास में है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सही है। यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू v2/v1, सही है। a2 इसके अपोन में आएगा, v2 इसके अपोन में जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। यानी कि a और v एक दूसरे के क्या युत्क्रमानुपाती है, तो हम a और v में ग्राफ खींचे, इधर अपने पास में a एरिया, इधर अपने पास में वेलोसिटी v, इसका ग्राफ अपने पास में कुछ ऐसे आएगा, सही है। एक का मान बढ़ेगा, वी का मान बढ़ेगा, तो एक का मान क्या होगा, कम होगा, सही है। ये अपने पास में है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a1 v1 बराबर होता है a2 v2, सही है। a अपने पास में एरिया, v अपने पास में इसका वेलोसिटी है, तो इसको आप नोट करो। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर व्यास के एक क्षैतिज पाइप से पानी 4 सेंटीमीटर/सेकंड के चाल से प्रवाहित होता है। पाइप के एक सिरे पर एक 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक चंचू है, तो चंचू से निर्गत पानी की चाल अपने को याद करनी है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन सांतत्य समीकरण के अनुसार देखना क्या होगा अपने पास में, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में कंटिन्यूटी इक्वेशन से सांतत्य समीकरण से क्या होगा, ये अपने पास में होगा a1 v1 = a2 v2, ये होता है अपने पास में कंटिन्यूटी इक्वेशन। पहले अपने को दे रखा है, एक अपने पास में क्षैतिज पाइप है, उसके लिए 1 सेंटीमीटर व्यास की एक क्षैतिज पाइप से पानी बह रहा है, उसकी चाल है 4 मीटर/सेकंड, सही है। तो पहले अपने पास में a1 अपने पास में एरिया होगा पाई आर वन का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से देखना पाई आर वन का स्क्वायर, इसमें अपने को व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यह अपने पास में हो जाएगी 0.5, सही है। इसकी आधी यानी कि 1/2 कर दे इसको, ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर, तो ये अपने पास में हो जाएगा π/4, a1 का मान हो गया π/4। v1 अपने पास में वेग दे रखा है 4 सेंटीमीटर/सेकंड, उसी प्रकार से अपने पास में a2 बराबर πr2 का स्क्वायर, तो ये πr2, ये अपने को दे रखा है व्यास 0.5 या आधा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 1/4, त्रिज्या हो जाएगा 1/4 इसका स्क्वायर, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा π/16। ये अपने पास में a1 v1 a2
यहाँ से अपन V2 ज्ञात कर सकते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ से देखना A1 का मान अपने पास में है π/4, ये समीकरण एक है। सारी की सारी वैल्यू उठा के समीकरण एक भर देते हैं, तो A1 का मान है π/4 इंटू V1 का मान है 4 बराबर A2 का मान अपने पास में है π/16 इंटू V2 अपने को ज्ञात करना है। सही है, तंतु से निर्गत वेग ज्ञात करना है V2। इधर देखो पाई से पाई कटेगा, इधर ये 4 से 4 कटेगा, V2 16 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 बराबर V2, यानी कि 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा V2 का वैल्यू। V2 का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इधर देखो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 16 इस तरफ चला जाएगा तो V2 का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपन बात करें कि चित्र में वेग V3 का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, ये कोई पाइप है, इस पाइप में द्रव यहाँ से आ रहा है, सही है, कुछ पानी इस तरफ चला गया और कुछ पानी इस पाइप के छेद में से इधर आ गया। सही है, तो अपने पास में जो आने वाला जो जल होगा उसके लिए A1 V1 प्लस जाने वाला जल ये और ये, तो देखना इसको क्या समीकरण बनेगा अपने पास में। समीकरण की हम बात करें तो देखना है, जैसे आने वाला अपने पास में जल क्या होगा, ये होगा V1 A1 बराबर, जितना इंटर होगा उतना ही बाहर जाएगा, तो बाहर जाने वाला क्या है, ये अपने पास में है V2 और A2 प्लस V3 और ये अपने पास में A3, ये समीकरण बनेगा अपने पास में। सही है, जो प्रवेश कर रहा है वो इस तरफ बराबर, जो इससे बाहर निकल रहा है वो इस तरफ, दोनों को जोड़ के कर देंगे। अपने को V3 का मान चाहिए, तो V1 का मान क्वेश्चन में गिवन ये रहा 4, V1 का मान 4 इंटू A1 का मान क्वेश्चन में ये रहा, ये है 0.2 बराबर, V2 का मान गिवन है क्वेश्चन में, ये है 2 इंटू A2 का मान ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 0.2 प्लस V3 अपने को याद करना है, A3 का मान अपने पास में है 0.4। इसको सोल्व कर सकते हैं, देखना इधर से, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। सही है बराबर, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4 V3, 0.4 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस का 0.4 बराबर 0.4 V3, 0.8 में से 0.4 जाएगा तो ये बचेगा 0.4 बराबर, इधर 0.4 V3, 0.4 से 0.4 कटेगा तो ये बचेगा V3 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में वेग V3 का मान होगा, वो कितना होगा अपने पास में, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय। सही है, बर्नौली के वैज्ञानिक का नाम है, तो बर्नौली ने एक थ्योरम दी, उसमें देखो बर्नौली थ्योरम अपने पास में क्या है, जब कोई असंपीड़ित अथवा अशांत तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। सही है, तो देखना अपने पास में, एक तो अपने पास में दाब ऊर्जा बोले तो PV प्लस गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अपने पास में MgH प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv2, ये बराबर अपने पास में होता है कांस्टेंट। बर्नौली प्रमेय के अनुसार कोई असंपीड़ित द्रव या कोई अशांत द्रव अपने पास में है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाहित हो रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी वो अपने पास में दाब ऊर्जा, ये अपने पास में स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, तीनों का योग क्या रहेगा, एक नियत रहेगा। सही है, इधर से देखना अपने पास में, इस पूरे में अगर हम V से डिवाइड कर दें तो अपने पास में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा जाएगी, इसको V से डिवाइड करते हैं, PV/V
प्लस एम जी एच अपॉन वी प्लस एक बटा दो एम वी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखना वी से वी कटेगा, ये बचेगा अपने पास में पी प्लस एम अपॉन वी द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व होता है, ये हो जाएगा घनत्व, ये जी और ये एच प्लस एक बट्टा दो द्रव्यमान बट्टा आयतन ये घनत्व, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर अपने पास में है कॉन्स्टेंट, ये होगा अपने पास में। अगर इस पूरे को रो जी से भाग लगा दे पूरे समीकरण में, ये तो अपने पास में क्या होगी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में कुल ऊर्जा होगी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में कुल ऊर्जा होगी, सही है। तो ये फॉर्मूला है अपने काम का, इसको याद रखना, प्रति इकाई आयतन में दाब ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग नियत या कॉन्स्टेंट रहता है, सही है। अब इस पूरे समीकरण में रो जी का भाग लगा दें तो देखना क्या होगा, इसमें रो जी का भाग लगाएंगे तो P अपॉन रो जी प्लस इसमें भी रो और जी का भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा H प्लस एक बट्टा दो, इसमें रो और जी का भाग लगाएंगे तो रो से रो कटेगा, ये अपने पास में बचेगा V स्क्वायर अपॉन जी, ये समीकरण बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना ये जो टर्म होगा ये अपने पास में होगा दाब शीर्ष, दाब शीर्ष ये वाला टर्म अपने पास में होगा, ये अपने पास में होगा गुरुत्वीय शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष, और ये वाला टर्म ये अपने पास में होगा वेग शीर्ष, वेग आ रहा है इसमें, ये होगा वेग शीर्ष, इसमें प्रेशर आ रहा है तो ये दाब शीर्ष, एच आ रहा है गुरुत्वीय शीर्ष, ये वी आ रहा है ये हो जाएगा क्या वेग शीर्ष, सही है। तीनों के क्या हो गए अलग अलग नाम हो गए, तो ये अपने पास में बर्नौली का थ्योरम हो गया, सही है। तो बर्नौली थ्योरम में ये वाला समीकरण है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस समीकरण को याद रखना है। बाकी अपने पास में दाब ऊर्जा स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, ये किसने कहा बर्नौली ने कहा, तो आप इस प्रमेय को नोट करो। फिर इसके कुछ अनुप्रयोग अपने पास में है, उन अनुप्रयोगों को लेकर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं आगे। आगे अपने पास में है बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, सही है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो पहले एप्लीकेशन की हम बात करें तो इसके कुछ अपने पास में अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग अपने पास में है समान दिशा में अत्यंत समीप गतिशील नावों के मध्य आकर्षण, समान दिशा में दो नावें गतिशील है तो उनके मध्य आकर्षण होता है किसके कारण बर्नौली प्रमेय के अनुसार, सही है। दूसरा है वायु के पंखों की आकृति, जो वायु के पंखे होते हैं उनकी आकृति। तीसरा अपने पास में है मैग्नस प्रभाव, मैग्नस प्रभाव बर्नौली प्रमेय पर काम करता है, सही है। चौथा अपने पास में है तेज आंधी जब आती है तो जो टिन की छतें होती है वो उड़ जाती है किसके कारण बर्नौली प्रमेय के अनुसार। चौथा अपने पास में है कणित्र की क्रियाविधि, कणित्र की जो क्रियाविधि है वो किसका अनुप्रयोग है वो अपने पास में है बर्नौली का अनुप्रयोग, सही है। उसके अलावा अपने पास में आता है वेंचुरोमीटर, जो वेंचुरोमीटर है वो भी क्या है बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है। ये अपने पास में इसका डायग्राम, इधर अपने पास में इसका एरिया ए वन, इस द्रव का वेग वी वन, इधर इसका एरिया ए टू, द्रव का वेग वी टू, सही है। तो इसमें अपने पास में एक तो सांतत्य समीकरण, ये क्यों अपने पास में क्या है प्रवाह की दर, क्यों इक्वल टू ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ये अपने पास में कंटिन्यूटी इक्वेशन प्लस ये अपने पास में बर्नौली इक्वेशन, सही है। ये जो अपने पास में वेंचुरोमीटर है उसमें अपने पास में हाइट एच वन और हाइट एच टू दोनों बराबर, दोनों जगह तो एच वन बराबर एच टू है तो यहाँ से एच वन एच टू की जगह एच वन रखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा यहाँ से पी वन, यहाँ से बचेगा वन बाई टू रो पी वन का स्क्वायर, इधर से बचेगा पी टू, इधर से बचेगा वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, सही है। पी टू इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, इसमें से वन बाई टू रो को बाहर ले लेंगे तो ये टर्म बनेगा, सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में पी टू माइनस पी वन ये किसके इक्वल होता है रो जी एच के इक्वल होता है, ये अपने पास में वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, वी टू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से वी टू अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा क्यू अपॉन ए टू,
वी टू का मान कितना आएगा, क्यू अपॉन ए टू, तो क्यू अपॉन ए टू का स्क्वायर कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए टू का स्क्वायर माइनस अपने को चाहिए वी वन का स्क्वायर, वी वन का स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे। वी वन अपने पास क्या क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू अपॉन ए वन, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर ये बन गया अपने पास में। इस पूरे में से क्यू स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, रो से रो कटेगा, टू इससे अब जाएगा ये हो जाएगा टू जी एच बराबर, इसमें से कैपिटल क्यू स्क्वायर को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा वन अपॉन ए टू का स्क्वायर, इधर बचेगा वन अपॉन ए वन का स्क्वायर, ये बचेगा वन अपॉन ए टू का स्क्वायर, वन अपॉन ए वन का स्क्वायर सही है। एलसीएम लेंगे यहाँ से ए वन ए टू, ए टू से ए टू कटेगा तो ए वन का स्क्वायर यहाँ जाएगा, ए वन स्क्वायर से ए वन स्क्वायर कटेगा तो यहाँ जाएगा ए टू का स्क्वायर सही है। अब यहाँ से ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ये इसके गुणा में है इसके बटा में जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट और ये रूट में बचेगा अपने पास में ये वैल्यू, ये अपने पास में क्या होगी प्रवाह की दर होगी, किसके लिए वेंचुरोमीटर के लिए, वेंचुरोमीटर के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट है सही है, इसी फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, इधर देखो ए वन इधर है ए टू इधर है, तो इधर ए वन ए टू रूट टू जी एच ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर अपॉन में ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर सही है, ये अपने पास में क्यों आ गया इसका सही है प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो। उसके बाद में दर का बहिस्त्रावी वेग वी बराबर होता है रूट टू जी एच, ये डायरेक्ट याद रखना है न्यूमेरिकल इसी से लग जाएंगे, दर का बहिस्त्रावी वेग। इसके अलावा ये अपने पास में कोई पात्र है, इसमें एच साइड तक जल भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ छिद्र कर दिया गया है, उस छिद्र में से जल बाहर आ रहा है, मान लेते हैं ये एक्स दूरी पर आकर गिर रहा है, तो ये दूरी एक्स, इसमें से बाहर आने वाले दर का वेग भी, दर प्रवाह का वेग अपने पास में कितना है रूट टू जी एच, ये रूट टू जी एच सही है। तो इसके लिए अपने पास में समय की बात करें तो समय टी बराबर ये अपने पास में होता है टू एच अपॉन जी सही है, एच की जगह अपने पास में इस पूरी हाइट में से कैपिटल एच में से स्मॉल एच को उठा देंगे, कैपिटल एच में से स्मॉल एच को उठा देंगे तो अपने पास में टी का वैल्यू आ जाएगा सही है। जल के छिद्र से तली तक पहुंचने में लगा समय, इस छिद्र से तली तक पहुंचने में जल को जो समय होगा वो होगा टू रूट का इसकी पूरी हाइट एच माइनस की इसके ऊपर वाली हाइट स्मॉल एच बटा जी सही है, ये अपने पास में हो जाएगा। अब अपने पास में क्षैतिज पर अक्ष ज्ञात करना है, तो अक्ष बराबर अपने पास में कितना होता है ये दूरी होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या हो गया चाल वी टी इसका समय, वी का मान अपने पास में ये रहा टू जी एच रूट का टू जी एच, टी का मान अपने पास में ये रहा रूट का टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटा जी, रख दिया वी का टी का मान, वी का मान ये रहा टी का मान ये रहा यहाँ उठा के रख देते हैं, देखो रूट टू टू बन गया, रूट जी से रूट जी कट गया, रूट में क्या बचेगा एक तो स्मॉल एच और रूट में एच माइनस स्मॉल एच, ये वैल्यू अपने पास में क्या होगा इसका छत्तीस परास होगा सही है। अधिकतम परास की हम बात करें यानी कि अपने पास में अक्ष मैक्सिमा, अक्ष मैक्सिमा इसकी जो हाइट अपने पास में होगी दरू की जल की एच कैपिटल एच उसके बराबर होगा सही है। अक्ष मैक्सिमा अपने पास में क्या होगा ये अपने पास में होगा एच के बराबर सही है। तो ये अपने पास में कुछ बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग है, कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट याद होंगे तो अपना क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे सही है। तो ये चार पांच एग्जांपल है, एक तो जैसे कणितर के सिद्धांत पर आधारित है, कणितर बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, मैग्नस का प्रभाव बर्नौली पर आधारित है, पंखों की वायु की आकृति बर्नौली के थ्योरम पर आधारित है, तेज आंधी में जो टिन की जो क्षति होती है उड़ जाती है बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, इसके अलावा समान दिशा में दो नावें चल रही है तो उनके मध्य क्या होता है आकर्षण होता है तो वो किसके कारण होता है बर्नौली थ्योरम के अनुसार होता है, वेंचुरोमीटर किस पर काम करता है वेंचुरोमीटर बर्नौली प्रमेय पर काम करता है, वेंचुरोमीटर के फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में ए वन और ए टू का मल्टीपल, ए वन ए टू रूट का टू जी एच अपॉन ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर बराबर क्यू, ये अपने पास में फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए सही है। इसके अलावा बहिस्त्रावी वेग वी ये अपने पास में होता है रूट टू जी एच, बहिस्त्रावी वेग कितना होता है रूट का टू जी एच, अगर अपने पास में कोई पात्र है उस पात्र में कैपिटल एच हाइट तक जल भरा हुआ है उससे स्मॉल एच हाइट पर एक छिद्र है उस छिद्र से जल बाहर आ रहा है तो उससे जो जल बाहर आ रहा है तो वो आकर जब संपर्क सतह पर गिर रहा है तो गिरने में लगा समय अपने को पूछे टी, तो टी का मान अपने पास में ये होगा ये डायरेक्ट याद होगा, तो टी क्या होगा टू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन जी यानी टू एच अपॉन जी, एच की जगह अपने पास में इस पूरी हाइट में से इसको उठा दूँ तो ये वाली हाइट आ जाएगी अपने पास में, हाइट कौन सी होगी ये वाली होगी ये पूरी एच कैपिटल एच इसमें से इसको उठा देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, तो रूट टू ये वाली हाइट अपने पास में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटा जी सही है। इसके अलावा क्षैतिज परास की हम बात करें, क्षैतिज परास अपने पास में एक्स इक्वल टू वी टी
वी का मान ये है, टी का मान ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दूँ, ये अपने पास में एक्स का मान आ जाएगा। अधिकतम परास की हम बात करें, एक्स मैक्सिमा, ये अपने पास में इस जो पात्र है इसमें जो जल बराबर है उसकी जो हाइट है एच, कैपिटल एच, उसके बराबर होगा। एक्स मैक्सिमा क्या होगा, एक्स मैक्सिमा बराबर होगा कैपिटल एच, सही है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट याद होंगे तो अपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर एक, इसमें अपने को दिया गया है कि एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षैतिज नलिका में द्रव प्रवाह धारा रेखीय है। नलिका के उस बिंदु पर जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है वहां पर जल का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है एवं दाब 2000 पास्कल है। उस बिंदु पर दाब जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास में अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक क्षैतिज नलिका है जिसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है वो क्या है, अलग अलग है। उसमें से द्रव प्रवाहित हो रहा है, द्रव का प्रवाह के साथ धारा रेखीय है। नलिका के उस बिंदु पर जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है वहां पर जल का वेग 1 मीटर पर सेकंड है और दाब 2000 पास्कल है। उस बिंदु पर दाब जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो इसमें अपन सांतत्य समीकरण लगाते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सही है। सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है A1V1 बराबर A2V2, ये अपने पास में होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सही है। तो A1 अपने पास में, जो अपने पास में नलिका का बिंदु है उस पर परिच्छेद A1 यानी कि क्षेत्रफल, ये अपने पास में कितना है परिच्छेद, ये अपने पास में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इस पर वेग का मान कितना है, जहाँ पर जल का वेग कितना है V1, यह है 1 मीटर पर सेकेंड, सही है। उस बिंदु पर जहाँ दाब याद करना, जहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी A2 का मान कितना है, यह है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2, सही है। ये एक नलिका है, उसके लिए A1 का मान दे रखा है, B1 का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है, यहाँ से V2 का मान अपन याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास V2 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये 5 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा V2। यानी नलिका के दूसरे जो जगह है, दूसरा वाला बिंदु है, वहाँ पर अपने पास में वेग का मान कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में आ गया। अब अपने को इसमें दाब चाहिए, सही है, ये अपने पास में वॉल्यूम आ गया V2, वेलोसिटी आ गया V2। अब अपने को इसमें दाब चाहिए, तो अब बर्नौली प्रमेय के अनुसार देखना, बर्नौली क्या कहती है, बर्नौली के अनुसार अपने पास में होता है P1 इक्वल टू रो जी एच 1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर, ये अपने पास में P1, ये P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा। ये पूरा वैल्यू अपने पास में कांस्टेंट होता है, ये भी अपने पास में पूरा कांस्टेंट, तो दोनों आपस में बराबर, सही है। अब नली क्या है, क्षैतिज नली है यानी कि H1 बराबर H2 है, सही है। क्षैतिज नली में क्या होगा, H1 बराबर होगा H2। अगर हम उठा के इस H1 की जगह H2 रख देते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम से सेम कट जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में जैसे बचेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस का 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। देखो इधर P2 को इस तरह भेजते हैं, इसमें अपने को क्या चाहिए, पहले का प्रेशर दे रखा है P1, दूसरे वाले का प्रेशर चाहिए P2, तो P2 बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में P1 प्लस इसमें से अपने पास में 1/2 रो बाहर आएगा, इधर बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 1/2 और रो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा V2 का स्क्वायर बराबर अपने पास में हो जाएगा P2। ये समय अगर समझ में आ गया, P1 का P1
ये इस तरफ आएगा, पूरे में से एक बटा दो रो बाहर आ गया, ये बी वन का स्क्वायर और ये बी टू का स्क्वायर ऐसे आ गया। यहाँ से अब अपन पी टू प्रेशर याद कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपने पास में पी वन का मान प्रेशर पहले का कितना है 2000, ये अपने पास में है 2000 प्लस एक बटा दो गुणा जल के लिए घनत्व का मान। जल के लिए घनत्व रो बराबर अपने पास में कितना होगा, रो बराबर अपने पास में होगा इसमें 1000, सही है मीटर के अंदर। इसके अलावा अपने पास में वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, वी वन का मान, वी वन का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो ये अपने पास में 1 का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर, वी टू अपन ने यहाँ से याद कर लिया, ये रहा वी टू बराबर कितना है 2 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या बचेगा, ये बराबर चल रहा है पी टू के, सही है। तो यहाँ से अपने पास में 2000 प्लस ये कटेगा 2 से 500 बार 500 ओष्टक, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास में होगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये बराबर होगा पी टू। तो यहाँ से देखना 2000 प्लस 500 और माइनस का 3 बराबर पी टू। तो यहाँ से 2000 पाँच ती 1500 किसका माइनस का, माइनस का 1500 बराबर पी टू। तो यहाँ से अपने पास में पी टू बराबर कितना आ गया 2000 माइनस 1500, ये हो गया 500 पास कर, यानी जो बिंदु पी है यानी कि पी टू बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 500 पास कर। कौन से ऑप्शन में ये, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, सही है। तो अपने को उस बिंदु पर दाब याद करना था जिसका अनुप्रस्थ काट कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो उस बिंदु पर दाब का मान कितना आ गया पी टू का मान 500 पास्कल आ गया, 500 वायुमंडलीय दाब, ये अपने पास में आ चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में होता है बंडुली थ्योरम, बंडुली थ्योरम में क्षैतिज नलिका है तो एच वन बराबर एच टू होगा, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा अपने पास में पी वन, वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर, पी टू प्लस वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, पी टू इस तरफ आएगा तो ये आ गया अपने पास में, पी टू अपने को ज्ञात करना, तो पी वन इसको इस तरफ भेज देते हैं, यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं बाहर लेके, ये बन जाएगा अपने पास में। वी वन का मान क्वेश्चन में गिवन है, पी वन का मान क्वेश्चन में गिवन है, रो का मान फिक्स होता है 1000 जल के लिए, वी टू अपन साथ देते समय कहीं यहाँ से निकाल सकते हैं वी टू का मान, वी टू का मान उठा के यहाँ रख दो, पी टू का मान आ जाएगा, तो अपने पास दाब का मान कितना आ जाएगा 500 पास्कल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में कणितर की क्रियाविधि आधारित है, कणितर किसका अनुप्रयोग है, ये अपने पास में बंडोली के अनुप्रयोग में आता है, तो कणितर किस पर आधारित है, बंडोली परिमेय पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन है बंडोली का, ये रहा बंडोली, बंडोली सिद्धांत पर आधारित है, कणितर जो है वो बंडोली सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि किसी पूरी तरह से लदे वायुयान का द्रव्यमान कैपिटल एम है और उसकी पंखुड़ियों की कुल क्षेत्रफल, पंखुड़ियों का कुल क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एक समतल उड़ान के लिए, एक समतल उड़ान है उसके लिए औसत चाल v से गति कर रहा है, समतल उड़ान के लिए औसत चाल v से गति कर रहा है। यह मान लीजिए कि पंखों के तटीय पृष्ठ पर वायु की चाल v1 तथा ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल v2 है, वायु का घनत्व अपने को रो दे रखा है, गुरुत्व त्वरण g दे रखा है, निचली पृष्ठ व ऊपरी पृष्ठ के ऊंचाई अंतर की अपेक्षा करते हुए v2 माइनस v1 के अंतर को निम्न में से किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा, सही है। इसमें अपने को v2 माइनस v1 का वैल्यू याद करना, सही है, यानी कि ऊपर का वेग और इसके v2 इसका ऊपरी पृष्ठ का वेग और v1 इसके तलीय पृष्ठ का वेग, उनका अंतर अपने पास में क्या होगा वो अपने को याद करना, सही है। तो अकॉर्डिंग टू बंडोली थ्योरम देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बंडोली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली के अनुसार अपने पास में समीकरण बनेगा p1 प्लस रो g h1 प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर, सही है। यह इसके ऊपरी पृष्ठ के लिए, इसके निचले पृष्ठ के लिए अपने पास में p2 प्लस रो g h2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में दोनों बराबर होंगे, सही है। अब ये समतल उड़ान के लिए है,
तो यहाँ पर अपने पास में H1 बराबर H2 होगा, तो देखना यहाँ पर H1 बराबर H2, इस वाले फॉर्मूले में H1 बराबर H2 रखते हैं, तो इस H1 की जगह H2 रखते हैं, तो इस ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, ये अपने पास में बचेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये बचेगा। पी पी को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, देखना इधर से, ये हो जाएगा P1, P2 इस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का P2 बराबर 1/2 रो बाहर आएगा, इधर है V2 का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर, सही है। इसमें से 1/2 रो बाहर आ जाएगा, दोनों में से 1/2 रो बाहर आ जाएगा, ये V1 का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना अपने पास में P1 माइनस P2, ये अपने पास में होगा डेल्टा पी इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में 1/2 रो, ये अपने पास में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास। अपने को इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, ऑप्शन में भी अपने पास में द्रव्यमान और क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर पी को हम क्या ले सकते हैं, परिसर, पी इक्वल टू अपने पास में होता है F/A, एकांक आयतन पर लगने वाला क्षेत्रफल दाब कहलाता है, तो यहाँ से P इक्वल टू अपने पास में होगा F/A इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में 1/2 रो, इसको लिख सकते हैं A² - B² A+B A-B, इसको लिख सकते हैं A-B A+B A2 V2 - B1 और V2 + V1, ऐसे इसको लिख सकते हैं, सही है। F बराबर अपने पास में क्या होता है, mg होता है, F की जगह लिख दो mg/A बराबर 1/2 ये रो V2 - V1। अब यहाँ से देखना अपने पास में V1 + V2 औसत चाल अपने पास में कितनी होती है, औसत चाल इसमें क्वेश्चन में अपने को दे रखी है, औसत चाल V है, तो औसत चाल वाले फॉर्मूले से क्या होगा, औसत चाल अपने पास में होती है V1 + V2/2, ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन में V, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में V1 + V2 बराबर 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2V, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये V1 + V2 है, इसके जगह लिख सकते हैं अपन 2 और V, लिख सकते हैं 2V इंटू V1 + V2 का वैल्यू ये रहा, ये कितना है 2V, 2V। अब देखो इधर 2 से 2 कटेगा, सही है। अपने पास में क्या बचेगा, mg, ये इधर अपने पास में m, ये अपने पास में g/A, 2 से 2 कटेगा, रो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा रो, और इसके अपॉन में आ जाएगा v, ये रो और v इसके अपॉन में आ जाएगी, 2 से 2 कटेगा बराबर अपने पास में क्या बचेगा, V2 - V1, यही अपने को किसी ने पूछा, V2 - V1 अपने पास में कितना हो जाएगा, mg/A रो और v इसके नीचे आ जाएगा, तो mg/A ρv कौन से ऑप्शन में है, mg/A ρv, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन में अपने कंडीशन दे रखी थी, उस हिसाब से अपन ने पी को क्या लिख लिया, F/A लिख लिया, F का मान होता है mg, A अपने पास में एरिया, तो ये मास और एरिया की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अपने पास में ये आंसर आ जाएगा, सही है। और यहाँ से अपने को औसत चाल दे रखी है, औसत चाल को अपन क्या लिखते हैं, V1 + V2/2, तो V बराबर क्या हो गया, V1 + V2/2, यहाँ से V1 + V2 का वैल्यू कितना, 2V, ये 2V, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जांपल नंबर 4, इसमें देखना सॉल्यूशन क्या होगा, जल से पूरा भरा हुआ एक आयताकार पात्र है, तली पर उपस्थित छिद्र है, इसकी तली में ऐसे पात्र है, जैसे ये वाला पात्र, इसमें जल भरा हुआ है, इसकी तली में यहाँ छेद कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, ये छेद हो गया, छेद करने पर छेद से जल बाहर निकलने के कारण 10 मिनट में खाली हो जाता है, ये 10 मिनट में खाली हो गया, इसकी हाइट अपने को दे रखी है, मान लेते हैं इसकी हाइट H है, इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H है, ये 10 मिनट में खाली हो जाता है, 10 मिनट में खाली हो जाता है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। यदि पात्र आधा भरा हुआ हो, यदि ये हाइट कितनी हो, H/2, आपकी बार क्या कर दी, यही पात्र है, इसी पात्र की ये हाइट है, इसको कम कर दिया,
पहले ये आज तक भरा हुआ था, अब इसको कर दिया एच बाई टू तक, इसकी हाइट को आधा कर दिया और अब इसमें से दरू निकल रहा है। सही है, पहले इसकी हाइट एच थी तो दरू पूरा खाली होने में 10 मिनट लग रहे थे, अब इसकी हाइट पानी की हाइट कर दी एच की आधी एच बाई टू, अब इसमें से पानी निकलने में कितना समय लगेगा वो समय अपने को ज्ञात करना है। समय अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि आधा भरा हुआ हो तो खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखना पहले पूरा भरा हुआ था, उस समय अपने पास में फॉर्मूला कितना होता है, अपने पास में होता है टी बराबर रूट का टू एच अपोन जी। सही है, तो एच का मान अपने पास कैपिटल एच, या अपने पास में स्मॉल एच कुछ भी ले लो, टू एच अपोन टी इक्वल टू होता है टू एच अपोन जी, एच की जगह अपने पास में क्या है कैपिटल एच मान लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखना टी बराबर 10 मिनट लगते हैं बराबर रूट टू एच अपोन जी, ये समीकरण नंबर एक। टी बराबर 10 मिनट का समय, टू एच हाइट इसकी एच है बट्टा जी। दूसरे वाले केस में देखना समय टी डेस, ये अपने को ज्ञात करना है बराबर रूट का टू एच, एच की जगह कितना है एच बाई टू है क्या, एच की जगह है एच बाई टू अपोन जी, ये इसके अपोन में जी। सही है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना टी डेस बराबर, टी डेस बराबर टू एच अपोन जी, इसका वैल्यू कितना है 11 10, 2h अपॉन g रूट में इसका वैल्यू 10 है। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है अपने पास में रूट का 2, ये बच रहा है। सही है, 2h अपॉन g का वैल्यू 10 हो गया रूट का, नीचे अपने पास में रूट का 2 बच गया। इसको ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करवा दो, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 10√2 बट्टा 2, 2 से कटेगा ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 5√2। टी डेस कितना हो गया 5√2। आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो टी डेस बराबर 5√2 का मान 1.414 बराबर 5 से गुणा करो इसको, 5 चौका 20, 20 का 0, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौका 20 का 0, 5 एकम 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7.070 मिनट। तो अब इसको खाली होने में कितना समय लगेगा, लगभग 7 मिनट का समय लगेगा। 7 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, टी इक्वल टू होता है टू एच अपॉन जी, टी का मान 10 दे रखा है, एच का मान कैपिटल एच मान रखा है, तो यहाँ से ये पहला समीकरण बन गया। दूसरे में अपने को टी डेस ये ज्ञात करना है, एच की जगह कर दिया एच बाई टू, इस एच की जगह क्या कर दिया एच बाई टू कर दिया, तो यहाँ से टी डेस बराबर रूट का टू एच अपॉन जी, रूट का टू एच अपॉन जी 10 के बराबर है 10, ये रूट का 2 नीचे बच गया। इसको 2 से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 10√2/2, 2 से कटेगा 5 बार, तो 5√2, 5√2 का मान 1.414, इससे इसको गुणा करवाएंगे लगभग 7.070 आएगा, यानी कि 7 मिनट के आसपास आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है, अगर ये पात्र एस बाई टू चाहे तो भरा हुआ है तो इसको खाली होने में अब कितना समय लगेगा, 7 मिनट का समय लगेगा। पहले जो पूरा भरा हुआ था चाहे तो 10 मिनट लग रहे थे, अगर ये आधा भरा हुआ है तो इसको खाली होने में 7 मिनट का समय लगेगा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि पानी एक समान काट के क्षैतिज पाइप में बह रहा है, एक समान काट का कोई क्षैतिज पाइप है उसमें पानी बह रहा है, तो पानी के सबसे सकड़े भाग में पानी होगा, जो पानी का सबसे सकड़ा भाग है उसमें पानी बहेगा, अधिक चाल का न्यूनतम दाब का, न्यूनतम चाल का अधिक दाब का, न्यूनतम चाल का न्यूनतम दाब का, अधिकतम चाल का अधिकतम दाब का। सही है, ये अपने को चेक करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में कोई पाइप है। सही है, ये कोई अपने पास में पाइप है, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षैतिज पाइप है, इसके सबसे सकड़े भाग में, सकड़ा भाग ये है, सबसे सकड़े भाग में पानी बहेगा। मान लेते हैं इस वाले भाग का एरिया अपने पास में A1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, इस वाले भाग का एरिया A2 है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है V2 है। सही है, तो इस वाले भाग में अपने को इसका वेग ज्ञात करना है और इसका क्या करना है, दाब ज्ञात करना है। तो सांतत्य समीकरण से अपने पास में क्या होता है, सांतत्य समीकरण से फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये अपने पास में क्या होता है A1 V1,
बराबर ए टू और बी टू, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से देखना, ए वन बटा ए टू बराबर वी टू बटा बी वन, सही है। सांतत्य समीकरण कहता है कि जिस जगह अपने पास में ए वन बटा ए टू वी टू बटा वी वन, इसमें अपने पास में जो ए वन है वो ज़्यादा है ए टू से, सही है। ए वन ए टू से ज़्यादा है और ए और वी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ए समानुपाती होता है वन अपॉन वी के सांतत्य समीकरण में, सही है। अगर ए वन ए टू से ज़्यादा है तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा, वी टू ज़्यादा होगा वी वन से, वी टू ज़्यादा होगा वी वन से। ए और वी क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर ए वन इस वाले का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस वाले से ज़्यादा है तो अपने पास में इस वाले का वेग वी टू का वेग ज़्यादा होगा किससे, वी वन से। तो वेग अधिक होगा, सकड़े वाला भाग है वहाँ पर वेग का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेग अधिक होगा। तो पहला केस तो अपने पास में आ गया, सकड़े वाले भाग में वेग वी टू है उसका मान अधिक है वी वन से। तो सकड़े वाले भाग में वेग यानी चाल अधिक है, वी टू का मान क्या है, अधिक है। अधिक कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अधिक आ रहा है एक तो पहले ऑप्शन में और एक चौथे ऑप्शन में, चाल अधिकतम चाल अधिक, सही है। तो पहले और चौथे में से कोई सा होगा, इसमें दे रहेगा चाल न्यूनतम चाल न्यूनतम, ये तो गलत हो जाएगा, चाल का वैल्यू क्या होगा, अधिकतम होगा, सही है। जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर वेग अधिक होगा, तो सकड़े भाग में एरिया कम है तो यहाँ पर वेग वी टू का मान क्या होगा, अधिक होगा, सही है। तो पहला तो अपने पास में आ गया कि चाल का मान अधिक होगा। अब अपने को दाब ज्ञात करना है, तो दाब ज्ञात करने के लिए हम बर्नौली के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बर्नौली के अनुसार, बर्नौली के अनुसार, बर्नौली बर्नौली के अनुसार बर्नौली के अनुसार अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है समीकरण पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है बराबर पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस एक बट्टा दो रो वी टू का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है। क्षैतिज नली है, क्षैतिज यानी कि एच वन बराबर एच टू, एच वन बराबर एच टू, तो यहाँ से देखना एच वन की जगह एच टू रख दो तो ये एच टू और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर बराबर पी टू प्लस वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में। अब देखो अगर अपने पास में वेग का मान अधिक है, देखो इधर अगर इधर वी टू का मान अधिक है तो पी टू का मान कम होगा, अगर वी टू का मान अधिक है और इधर वी टू का मान क्या होगा, कम होगा, तो इसको समीकरण को बराबर करने के लिए पी वन का मान अधिक होना चाहिए, सही है। अगर इधर वी टू का मान अधिक होगा वी वन से तो इन दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए पी वन का मान अधिक होना चाहिए पी टू के लिए, सही है। तो यदि वी टू ग्रेटर देन है वी वन से, यह वाला समीकरण वी टू ग्रेटर देन है वी वन से, अगर वेग का मान अधिक है, जिस जगह वेग का मान अधिक है उस जगह क्या होगा, प्रेशर का मान कम होगा, यानी कि इस जगह प्रेशर पी टू कम होगा किससे, पी वन से, सही है। इधर देखो वी टू का मान ज्यादा होगा वी वन से, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले का मान ज्यादा होना चाहिए इससे, पी वन का मान ज्यादा होना चाहिए पी टू से, सही है। तो अपने पास में जिस जगह वेग का मान ज्यादा होगा, पी टू में वेग का मान ज्यादा है, उस जगह अपने पास में दाब का मान क्या होगा, कम होगा, सही है। इधर वी टू वेग ज़्यादा है तो इधर पी टू दाब क्या है, कम है। जिस जगह वेग का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर अपने पास में क्या होगा, दाब का मान कम होगा। यहाँ पर वेग का मान ज़्यादा है तो इस वाले में दाब का मान यहाँ कम होगा, सही है। यहाँ पर वेग का मान कम है तो यहाँ पी का मान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर वेग का मान क्या है, ज़्यादा है, तो पी का मान क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि चाल अधिकतम और दाब न्यूनतम, कौन से ऑप्शन में, चाल अधिकतम दाब न्यूनतम, ऑप्शन नंबर एक में, सही है। तो सकड़े भाग में चाल अधिकतम व दाब
न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, सही है। जो अपने पास में सकड़ा भाग है, इस सकड़े भाग में वेग टू का मान कम होगा, यानी कि वेग तो क्या होगा, वेग का मान अधिक होगा, एरिया कम तो वेग ज़्यादा, तो सकड़े भाग में वॉल्यूम का मान ज़्यादा, एरिया कम तो वी का मान, वेग का मान ज़्यादा और दाब का मान कम, तो सकड़े भाग में चाल अधिक होगी, वेग अधिक होगा और इसका दाब क्या होगा, न्यूनतम होगा, जो ऑप्शन नंबर एक में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर एक अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये तो अपने पास में चाल तो चेक कर लेंगे सांतत्य समीकरण से, और दाब चेक कर लेंगे किससे, बंडूली प्रमेय से, जहाँ पर वेग का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब का मान कम होगा। अगर ये इससे ज़्यादा होगा, अगर वी टू ज़्यादा है वी वन से, तो पी टू क्या होगा, यहाँ कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर का मान कम होगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।